दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां टीम इंडिया ने चौथे टी20 मैच के रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। दोस्तों आपको बताएंगे, एक समय टीम इंडिया इस मैच को लगभग हार ही गई थी, लेकिन अंत में शार्दुल ठाकुर की शानदार बॉलिंग की वजह से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को लगातार चौथी मैच में भी उसी के धरती में हरा दिया है। तो वहीं जीते हुए मैच को हारने के बाद विलियमसन भड़क उठे और कप्तानी कर रहे टीम सऊदी और शार्दुल ठाकुर पर जमकर भड़ास निकाली है। दोस्तों जानेंगे इस मैच के बारे में पूरे विस्तार से और जानेंगे कि विलियमसन ने ऐसा क्या कह दिया है, लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया की रोमांचक जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज चौथे मैच में दोनों ही टीमों ने बड़े बदलाव किए थे। न्यूजीलैंड ने तो अपने कप्तान को ही आज बदल दिया था। जी हां दोस्तों, केन विलियमसन चोट के कारण आज के मैच में नहीं खेले, तो उनके जगह टीम सऊदी न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे थे। तो वहीं टीम इंडिया ने भी आज रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को इस मैच के लिए आराम दिया, तो उनके जगह संजू सैमसन, नवदीप सैनी और वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। दोस्तों टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान टीम सऊदी ने भारत को पहले बैटिंग करने के लिए चैलेंज किया, तो टीम इंडिया ने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पहले बैटिंग करने आई। तो आज नई ओपनिंग जोड़ी राहुल और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन मिले मौके को संजू सैमसन नहीं भुना पाए और बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में 8 रन बनाकर कैच आउट हो गए और टीम इंडिया को 14 रन पर ही बड़ा झटका लग गया। तो विराट कोहली ने राहुल को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी टीम का ज्यादा साथ नहीं दे सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन केएल राहुल एक छोर पर बैटिंग कर रहे थे और बीच बीच में बड़े शॉट्स खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सीरीज हारने के बाद आज एक अलग ही मूड बॉलिंग कर रहे थे और एक के बाद एक टीम इंडिया की विकेट गिराते जा रहे थे। और एक समय टीम इंडिया 88 रनों पर ही 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। टीम के दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शिवम दुबे लापरवाही भरी शॉट्स खेलकर आउट हो गए और टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर चले गए। तब मनीष पांडे ने टीम को संभाला और पहले शार्दुल ठाकुर के साथ साझेदारी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया और ठाकुर के आउट होने के बाद नवदीप सैनी के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 165 रन तक पहुंचा दिया। मनीष पांडे ने शानदार बैटिंग करते हुए 36 गेंदों में नबाद 50 रन बनाए, लेकिन 165 रन न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि टीम इंडिया में आज मोहम्मद शमी भी नहीं खेल रहे थे और हुआ भी ऐसा ही। न्यूजीलैंड ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, हालांकि मार्टिन गुप्टिल को जल्दी आउट करने में बुमराह तो कामयाब हो गए, लेकिन बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाज कोई असर नहीं डाल पाए। टीम में शामिल किए गए वॉशिंगटन सुंदर को अपनी गेंद को सही लाइन लेंथ पर रख ही नहीं पाए और कॉलिन मुनरो ने उनकी जमकर पिटाई की। तो वहीं नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर भी अपनी गेंदबाजी का कमान नहीं दिखा पाए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। टीम इंडिया की खराब गेंदबाजी की पोल आज खुली जब टीम इंडिया के दो खतरनाक गेंदबाज में से एक मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे थे, तो दबाव इन नए गेंदबाजों पर आ गई, तो उन्होंने बेहद खराब गेंदबाजी की। बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड पर दबाव नहीं बना पा रहा था और न्यूजीलैंड इस मैच को एक तरफा जीत रही थी, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने बड़े ही चालाकी से कप्तानी की और बुमराह को 19वां ओवर बॉलिंग के लिए दिया और ठाकुर को बचा लिया। तो बुमराह ने भी शानदार बॉलिंग करते हुए 19वां ओवर में न्यूजीलैंड को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। अब 20वें ओवर में न्यूजीलैंड को 6 गेंदों में 7 रन चाहिए था और बॉलिंग ठाकुर के हाथों में थी, तो पूरे मैच में लय में नजर नहीं आने वाले ठाकुर ने आखिरी ओवर में शानदार बॉलिंग की और न्यूजीलैंड को 7 रन नहीं बनाने दिया। ठाकुर के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड सिर्फ 6 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया। इस तरह मैच एक बार फिर सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन बनाए, तो टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और कोहली ने आसानी से 14 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी और एक बार फिर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को हार मिली। अब दोस्तों जीते हुए मैच को हार जाने के बाद केन विलियमसन भड़क उठे और कहा, हमारे बल्लेबाज हमें एक बार फिर सुपर ओवर दिए, आज हमारे बल्लेबाजों ने बेहद ही घटिया बैटिंग की है और मैच को सुपर ओवर में जाने दिए, 6 गेंदों में 7 रन नहीं बना पाए, जो बेहद ही चिंता की बात है। इस बार तो बॉलिंग में भी कोई बड़ा गेंदबाज भी नहीं था, पिछली बार तो खतरनाक गेंदबाज शमी था जिसे बहुत अनुभव है, लेकिन आज तो शार्दुल ठाकुर था जिसे उतना अनुभव भी नहीं है दबाव में गेंद डालने का, तो उनकी गेंद में भी रन नहीं बना पा रहे थे। हमारे बल्लेबाजों को ठाकुर की गेंदबाजी का फायदा उठाना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए और हमें लगातार चौथा मैच गंवाना पड़ा। शार्दुल ठाकुर ने बहुत ही अच्छा गेंदबाजी की और मैच हमसे छीन कर ले गया। तो दोस्तों अगर आप भी ठाकुर की शानदार गेंदबाजी से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।